हेलो एवरीवन, आई एम आयुषी शर्मा। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बंडल ऑफ लर्निंग। आज के वीडियो में मैं आपसे वीक वन के लिए डे टू एंड डे थ्री की वर्कशीट्स शेयर करूंगी। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो ऑफ डे वन वर्कशीट्स, यू कैन चेक दैट इन आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन। बिफोर स्टार्टिंग टूडेज वीडियो, आई वुड लाइक टू टेल यू दिस वर्कशीट्स आर बेस्ड ऑन वीकली सिनॉप्सिस। पुरु की स्कूल से वीकली सिनॉप्सिस आता है कि किस वीक में कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक करवाया जाएगा। मैं ये वर्कशीट्स उन्हीं वीकली सिनॉप्सिस के बेस पे पुरु को बनाकर देती हूँ, ताकि जो भी टॉपिक्स पुरु को उस वीक में करवाए गए हैं उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। जो पेरेंट्स अपने बच्चे को होम स्कूलिंग करवा रहे हैं, उन्हें इन वर्कशीट से बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज उन्हें ये नहीं सोचना होगा कि हमें किस वीक में कौन सा टॉपिक बच्चे को करवाना है। इसी के साथ साथ जो पेरेंट्स ये पूछते हैं कि हमें अपने बच्चे को किंडरगार्टन में या अपर किंडरगार्टन में वर्कशीट्स कैसे बना कर देनी है, वो इन वीडियो से आइडिया ले सकते हैं कि किस टाइप की वर्कशीट्स हम अपने बच्चे को बना कर दे सकते हैं। ये पुरु का वीकली सिनॉप्सिस है सब्जेक्ट वाइज EVS इंग्लिश मैथ्स एंड हिंदी के लिए। पूरे वीक मैंने इसी वीकली सिनॉप्सिस के बेस पे पुरु को वर्कशीट्स बनाकर दी थी। नेक्स्ट वीक में मैंने वीक सेकंड का जो सिनॉप्सिस था उसके बेस पे वर्कशीट्स बनाई थी। इसी तरीके से वीक थर्ड में जो सिनॉप्सिस आया था उसके बेस पे वीक थर्ड की वर्कशीट्स बनाई थी। तो हम पूरे वीक इसी सिनॉप्सिस के बेस पर वर्कशीट्स करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डे टू के लिए वर्कशीट्स। ये डे टू के लिए EVS की वर्कशीट है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द स्पेलिंग्स ऑफ बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स की स्पेलिंग लिखनी है। सबसे पहले मैंने ट्रेसिंग फॉर्म के अंदर पुरु को आई, ईयर और नोज की स्पेलिंग लिखवाई है। ये तीनों ही स्पेलिंग्स मैंने डे वन पुरु को इंट्रोड्यूस कर दी थी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ट्रेसिंग करवाई है, देन उसके बाद मैंने मिसिंग लेटर के फॉर्म के अंदर आई, ईयर और नोज की स्पेलिंग्स पुरु से लिखवाई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी टू सेंस ऑर्गन्स। यहाँ पे पुरु को दो सेंस ऑर्गन्स के नेम लिखने थे। पुरु ने यहाँ पे आई और नोज लिखा है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंग्लिश के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग पिक्चर्स। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स पुरु को ड्रॉ करके दी थी, उनसे रिलेटेड वर्ड्स पुरु को लिखने थे, सीवीसी वर्ड्स पुरु को लिखने थे। लाइक फर्स्ट पिक्चर है फैन की, तो पुरु ने यहाँ लिखा है एन फैन, हैट की ह एट हैट, नेक्स्ट इज मैप ऐप मैप, जैम ज एम जैम, टैग ट एग टैग, एंड लास्ट इज टैप ट ऐप टैप। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था, राइट वोवल्स। यहाँ पे पुरु को वोवल्स लिखने थे। वोवल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये पुरु ने एकदम सही लिख दिया था। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ्स के अंदर मैंने मिसिंग नंबर्स दिए थे, लाइक रैंडमली कोई भी नंबर ले लिए थे। 21 से स्टार्ट किया था 21, देन मिसिंग नंबर के फॉर्म में मैंने 30 तक लिखवाया था, एंड फिर 43 से स्टार्ट करके 50 तक लिखवाया था। तो ये मिसिंग नंबर्स मैंने करवाए थे मैथ्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वॉट कम्स आफ्टर। यहाँ पे मैंने पुरु से वॉट कम्स आफ्टर करवाए थे। कोई भी रैंडमली नंबर लिए थे, उनके नेक्स्ट नंबर पुरु को यहाँ पे लिखने थे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। हिंदी के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है, तीन अक्षर के शब्द लिखें। यहाँ पे पुरु को थ्री लेटर्स वर्ड्स या तीन अक्षर के जो शब्द होते हैं हिंदी के अंदर वो लिखने थे। कोई भी रैंडमली वर्ड लिखने थे पुरु को, वो पुरु ने यहाँ पे बहुत अच्छे से लिख दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मिलान करें। मिलान करें, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, सेम वर्ड्स मैंने यहाँ राइट साइड में भी लिखे हैं। दोनों में वर्ड्स सेम है, बट इनका जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे पुरु को वर्ड्स मैच करने थे, लाइक यहाँ पे यज्ञ लिखा है तो यहाँ पे यज्ञ कहाँ है, इसी तरीके से यहाँ वर्ड लिखा है तो इसमें वर्ड सर्च करना था, कब है तो इसमें कब कहाँ लिखा है, सड़क सड़क कहाँ लिखा है, तो ये वर्ड्स की मैचिंग के लिए मैंने दिए थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर मैंने सिर्फ दो दो क्वेश्चन ही पुरु को करने के लिए दिए थे। नाउ अब हम देखेंगे डे थ्री के लिए वर्कशीट्स। ये डे थ्री के लिए वर्कशीट्स हैं। फर्स्ट हम देखेंगे EVS के लिए। अगेन जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बॉडी पार्ट्स नेम्स का है। यहाँ पे मैंने पुरु को नई स्पेलिंग इंट्रोड्यूस की थी, स्किन, ईयर, आई,
एंड नोज़, ये तीनों स्पेलिंग मैंने डे वन इंट्रोड्यूस कर दी थी। डे टू को मैंने इन तीनों स्पेलिंग्स का रिवीजन करवाया था। नाउ डे थ्री मैंने स्किन की स्पेलिंग पुरु को करवाई थी। अगेन यहाँ पे मैंने सबसे पहले ट्रेसिंग करवाई है, देन मिसिंग लेटर की फॉर्म के अंदर करवाई है, और लास्ट में मैंने पूरी स्पेलिंग पुरु को लिखने के लिए बोला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मैच द फॉलोइंग। अगेन यहाँ पे मैंने बॉडी पार्ट्स ही लिए हैं, बॉडी पार्ट्स एक दोनों साइड में बॉडी पार्ट्स लिखे हुए हैं, और दोनों साइड के बॉडी पार्ट्स को आपस में मैच करना है। लाइक हेयर को हेयर से, टमी को टमी से, लेग को लेग से, हैंड को हैंड से, इस तरीके से ये वर्कशीट आपको करवानी है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है राइट राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पे अगेन राइमिंग वर्ड्स करने हैं। फर्स्ट जो वर्ड लिखा है मैंने गैप, गैप का राइमिंग वर्ड मैंने पुरु से करवाया कैप, चैप एंड मैप। फैन दिया था तो फैन के लिए पुरु ने लिखा है वैन, मैन, रैन। लैड के लिखा है मैड, सैड, बैड। बैग के लिखा है टैग, वैग, रैग। हेड के लिखा है कैट, बैट, रैड। तो इस यहाँ पे अगेन मैं आपसे बोलना चाहूँगी, अगर आपका बच्चा राइमिंग वर्ड्स इजीली कर लेता है तो आप यहाँ पे 3 और 4 वर्ड्स एक बार में आप बच्चे से करवा सकते हैं। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो 1 और 2 वर्ड से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच विद द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पे कुछ पिक्चर बनाई हुई हैं, साथ ही साथ नीचे कुछ वर्ड्स या सेंटेंस आप कह सकते हैं, स्मॉल सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन पिक्चर को इन सेंटेंसेस से मैच करना है। लाइक फर्स्ट पिक्चर में देखिए यहाँ पे एक हैट बनी हुई है, हैट के अंदर एक रैट बैठा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है अ रैट इन अ हैट। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को या इन वर्ड्स को यहाँ पे इस पिक्चर से मैच करना है। तो यहाँ पे गुरु ने ये मैच कर दिया है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एक लैड है जो कि बहुत ही सैड दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेंटेंस, अ सैड लैड। तो इस सैड लैड को इससे मैच करना है पिक्चर से। नाउ नेक्स्ट आप देख सकते हैं थर्ड पिक्चर है हमारी कैट की, अ फैट कैट। यहाँ पे एक फैट कैट है तो इसको इस सेंटेंस अ फैट कैट से मैच करना है। तो ये जो वर्कशीट है ये बहुत ही अच्छी वर्कशीट है। इससे क्या होगा, बच्चे की रीडिंग प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, बिकॉज इसको क्या होगा सेंटेंस रीड करना भी आएगा। आप इस टाइप के छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर पिक्चर ड्रॉ करके बच्चे को दे सकते हैं। तो ये क्या होगा, बच्चा सेंटेंस रीड करेगा और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो पिक्चर होगी उससे मैच करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मैथ्स के लिए। मैथ्स में मैंने दिया था पुरु को राइट काउंटिंग 1 to 50। यहाँ पे पुरु को 1 से 50 तक काउंटिंग लिखनी थी, जो कि पुरु ने बहुत नीटली लिख दी थी। कुछ थोड़ा मैंने उसको ट्रेसिंग के लिए ये कुछ कर्व्स बना के, कुछ लाइंस बना के पुरु को दी थी, उसने ट्रेसिंग करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रो द ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू नंबर्स। यहाँ पे बच्चे को नंबर्स के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स ड्रो करने थे। लाइक यहाँ पे 5 मैंने दिया था, 3 दिया था, 6 दिया था, 2 दिया था एंड 4 दिया था। तो यहाँ 5 लिखा है तो 5 ही ऑब्जेक्ट्स बनाने थे जो गुरु ने ये बनाए हैं। अलग 3 है तो 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, 6 है तो 6 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कोई भी नंबर लेके बच्चे से कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रो करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हिंदी। हिंदी में पहले देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे मिलते जुलते शब्द लिखें। मिलते जुलते शब्द जैसे हम इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स पढ़ते हैं वैसे ही हिंदी में होते हैं मिलते जुलते शब्द। तो यहाँ पे अगेन मैंने कुछ शब्द दिए हैं, जैसे अब। अब के लिए मैंने 3 मिलते जुलते शब्द लिखवाए हैं पुरु से, जो उसने लिखा है सब, कब, तब। इसी तरीके से मैंने दिया था रस। रस के लिए पुरु ने लिखा है बस, दस, कस। कल, कल के लिए लिखा है हल, जल, बल। डर दिया था, डर के लिए लिखा है घर, पर, कर। अगेन मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगी, अगर बच्चे को नहीं आता है, नहीं कर पा रहा है, या लिखने की प्रैक्टिस अभी बच्चे को प्रॉपर नहीं है, तो आप बोल के करवा सकते हैं। और बच्चा अगर लिखने लग गया है तो आप ज़रूरी है कि 3-3 वर्ड से उसको लिखवाएं, आप 1 या 2 वर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक वाक्य पुरु को लिखने के लिए दिया था ताकि उसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छे से हो सके। यहाँ पे मैंने दिया था डर मत घर चल। ये पुरु को एज इट इज़ कॉपी करना था, उसको लिखना था ताकि उसकी राइटिंग भी अच्छी हो सके। इन सब के साथ साथ मैं पुरु को यहाँ पे दूसरी वर्कशीट्स भी करवाती हूँ ताकि पुरु का इंटरेस्ट जो है बना रहे। तो पहले मैंने दिया है यहाँ पे ड्रो अ हाउस एंड कलर। यहाँ पे पुरु को खुद से हाउस ड्रो करना था और उसमें कलर फिल करना था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पुरु ने अपने अकॉर्डिंग हाउस ड्रो किया और उसमें कलर किया हुआ है। नेक्स्ट मूव
अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं उनके अंदर मूव करना है जो जो डायरेक्शन मैंने बनाई हुई है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हमें राइट मूव करना है, सेकंड में फिर राइट मूव करना है, थर्ड में हमें डाउन जाना है, फिर राइट मूव करना है, राइट मूव करना है, फिर डाउन जाना है, सेवन में हमें फिर डाउन जाना है, एट में लेफ्ट जाना है। तो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गुरु को इन डॉट्स के ऊपर मूव करना था। लाइक पहले राइट गए, राइट लिखा हुआ राइट गए, फिर राइट गए, फिर डाउन गए, तो इन के अकॉर्डिंग गुरु को मूव करना था। तो ये इस टाइप की वर्कशीट में गुरु को करवा देती हूँ। ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।